डिक्लाइन, डिक्लाइन ही क्या होता है, समाप्त होना यानी अंत हो जाना। द लास्ट फेज ऑफ द सेटलमेंट क्लियरली शोज साइंस ऑफ डिक्लाइन। लास्ट फेज ऑफ द सेटलमेंट यानी बसने का अंतिम चरण यह दर्शाता है कि वो डिक्लाइन हो गया था। ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी, पानी की कमी, रेनफॉल बरसात की कमी और डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, व्हाट इज फर्टिलिटी? अ लैंड विच इज फर्टी, सपोज अ लैंड विच हैज फर्टाइल लैंड, इट विल ग्रो मोर ग्रेन्स इन इट्स लैंड। मतलब ज्यादा उत्पादन होना है, प्रोडक्शन इज मतलब ज्यादा होता है, फर्टिलिटी बहुत जरूरी है, उपजाऊ होना। ठीक है, देयर वॉज अ डिक्लाइन इन फार्मिंग, वहां पे कृषि जो है खेती का अंत हो गया था। पीपल बिगेन रिलाइंग मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। रिलाइंग मीन्स क्या है, डिपेंड होना। ठीक है, तो वो लोग किस में डिपेंड हो गए थे, हंटिंग और गैदरिंग फूड में। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज शोड ए चेंज, स्मॉल सर्कुलर हर्ट्स हैव बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर वंस। स्मॉल सर्कुलर हर्ट्स, सर्कुलर मतलब गोलाकार जैसा झोपड़ी पाया गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डैश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। गांव, इनाम गांव, गोवा। तो इसका आंसर है बी पार्ट, इनाम गांव। एट इनाम गांव कॉपर में हैव बीन ऑब्टेंड फ्रॉम राजस्थान, हरिद्वार, केरला। तो इसका आंसर आएगा ए, राजस्थान। लेट्स कम टू अवर न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। बिग स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। बिग स्टोन यानी बड़े पत्थरों के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको हम मेगालिथ्स बोलते हैं। दे वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। मार्क बरियल साइट, ये मार्क करते हैं बरियल साइट के जो धरती के अंदर में दबे हुए होते हैं। दैट समथिंग इज बरिड ऑन इन साइड द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड सॉरी, एंड वर वेरी केयरफुली अरेंज। दिस प्रैक्टिस ऑफ रेक्टिंग मेगालिथ्स स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट साउथ इंडिया। इरेक्टिंग मतलब क्या होता है, खड़ा करना। तो मेगालिथ्स को खड़ा करना का प्रैक्टिस कब हुआ था, स्टार्टेड अराउंड 3000 ईयर्स एगो, 3000 साल पहले, एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट साउथ इंडिया, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, स्पेशली कश्मीर एंड द डेकान। डेकन, इन इंग्लिश वी से डेकन नॉट डेगॉन। सम मेगालिथ्स आर विजिबल ऑन द सर्फेस वाइल द अदर्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। सम मेगालिथ्स, कुछ मेगालिथ्स जो थे वो विजिबल थे यानी देख सकते थे ऑन द सर्फेस, सर्फेस में, वाइल अदर्स आर अवर ऑफन अंडरग्राउंड, जो धरती के अंदर थे। सम इन सम केसेस आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। दिस इंडिकेट्स दैट देर आर बरियल्स बिनिथ। ये दर्शाता है कि अंदर में अवशेष दबे हुए हैं, बरियल्स। मेगालिथ एट डेकान, डेकन। ऑल दिस बरियल्स शो कॉमन फीचर्स। जनरली द डेड वर बरीड अलॉन्ग विद द ब्लैक एंड रेड वेयर, टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। टूल्स एंड वेपन्स मतलब क्या होता है, औजार या हथियार जो कि आयरन यानी लोहे से जो बनी होती है। स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हड्डियों की सॉरी हड्डियों का जो पूरा स्केलेटन होता है उसका, हड्डी का जो पार्ट होता है पूरे शरीर का, एंड हॉर्स इक्विपमेंट हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ये भी पाया गया। इन सम बरियल्स ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड हैव ऑल्सो बीन फाउंड। पत्थरों का और सोना चांदी ये सब पाया गया मान के चलिए। दिस मेगालिथिक साइट्स आर वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द मटेरियल कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ दोज डेज। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कितने अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो पुराना ज़माना जो था वो मटेरियल कल्चर के नाम से जाना जाता था और अच्छे से थे। आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। ए स्केलेटन मतलब क्या होता है, द बॉडी विच इज डेड। ठीक है,
विच इज डिकम्पोज्ड बीनिथ द ग्राउंड रिजल्ट्स इन स्केलेटन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिविंग बींग, दैट इज स्केलेटन। ठीक है, उसको स्केलेटन बोला जाता है। समटाइम्स समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र, यानी कब्र बोलते हैं उसको जिसको दफनाया जाता है। देन इन अदर एट ब्रह्मगिरी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वन स्केलेटन बरीड विथ टू स्टोन बेड्स, फोर कॉपर बैंगल्स, वन कॉन्च शेल एंड 33 गोल्ड बेड्स। ऐसे स्केलेटन पाया गया जिसमें दो पत्थरों के दाने, बीड्स यानी माला, फोर कॉपर बैंगल्स तांबे की चूड़ियां, वन कॉन्च शेल, शेल मतलब शंख से बनी हुई एक कॉन्च, और सोने की माला बीड्स। अदर स्केलेटन्स हैड ओनली ए फ्यू पॉड्स। दिस शोज दैट देर वॉज सम स्टेटस डिफरेंस अमंगस्ट द बरेड पीपल, सम वर्शिप्स अदर्स फॉलोअर्स, सम वेर रिच एंड अदर्स पुअर, कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे। फैमिली बरियल, सम मेगालिथ्स मेगालिथ्स वर ऑल्सो फैमिली बरियल्स, मेगालिथ्स विच कंटेन मोर देन वन स्केलेटन शो दैट पीपल फ्रॉम द सेम फैमिली वर बरेड एट द सेम प्लेस। मतलब एक से अधिक, मोर देन वन पर्सन बरेड अंडर द सेम ग्राउंड नियर बाई, दैट इज फैमिली बरियल। ठीक है, हम किसको बोल सकते हैं फैमिली बरियल। दे वर नॉट बरिड एट द सेम टाइम बट ब्रॉट इन टू द ग्रेव्स थ्रू द पॉट पोर्ट होल्स टू आइडेंटिफाई द बरियल साइट, बरियल साइट यानी जो दबे हुए हैं साइट जो थे उसको पहचानने के लिए। टू आइडेंटिफाई बोल्डर्स और स्टोन सर्कल्स जो थे वर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस लाइक साइन पोस्ट सो दैट पीपल कुड आइडेंटिफाई द प्लेस, ताकि लोग इसको पहचान सके। ये पिक्चर दिया गया है फैमिली बरियल साइट का, ओरिकल बोन्स। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, और इसी टाइम में हमारे विश्व के जो दूसरे भाग थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सम राइटिंग्स ऑन एनिमल बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन चाइना। सम राइटिंग्स ऑन एनिमल बोन्स, एनिमल बोन्स यानी जानवरों की हड्डियों में लिखा गया कुछ पाया गया है, खोजा गया है, कहाँ, चाइना में। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ राइटिंग इन दैट कंट्री। तो ये कुछ फर्स्ट एविडेंस है, मतलब पहला सबूत है एक लिखित मतलब लिखावट का दूसरे कंट्री का, डेटिंग बैक 3500 ईयर्स एगो, करीब 3500 साल पहले। दे आर कॉल्ड ओरिकल बोन्स, इन्हें ओरिकल बोन्स कहा जाता था, सॉरी कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ओरिकल बोन्स एज दे वर यूज्ड बाय पीपल टू राइट क्वेरीज टू गॉड, यूज्ड बाय पीपल टू राइट क्वेरीज टू गॉड। क्वेरीज यानी भगवान से अपनी मन्नतें या उनसे प्रश्न करना। ठीक है, किस में लिखा जाता था, हड्डियों में, जानवरों की हड्डियों में, विच वॉज रिटन ऑन एनिमल बोन्स। दिस ओरिकल बोन्स वर पुट इन फायर, और इन्हीं ओरिकल बोन्स को आग में जला दिया गया था। द क्रैक्स दैट अपियर्ड ऑन द बोन्स, जो हड्डियों में क्रैक्स यानी टुकड़े हुए हैं जो, वर रेड बाय प्रीस्ट्स, वो पुजारियों के द्वारा पढ़ा गया टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द किंग्स। फ्यूचर ऑफ द किंग्स मतलब जो भविष्य के राजा हैं, राजा जो हैं उनके बारे में जानने के लिए, और उनके किंगडम से उनके साम्राज्य के बारे में जानने के लिए।